नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक रंजन पाती और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में इन सम हॉस्पिटल, जो कि यहाँ का बहुत फेमस हॉस्पिटल है। तो आज का आपका ये टॉपिक होगा कि हम किस तरीके से दांतों को बचा सकते हैं। जब भी हम अपने अपने माउथ को मिरर के सामने लाते हैं, या फिर जब भी हम ब्रश करते हैं, या फिर आईने में जब भी आप कंघी करते हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि अपने फेस को ही देखते हैं, लेकिन हम टीथ को अवॉइड कर देते हैं। तो हमें अपने टीथ को अच्छे से नोटिस करना चाहिए। कोई भी टाइप का अगर ब्लैक स्पॉट दिखता हो, या फिर खाना खाने के टाइम आपके दांत में खाना अटकता हो, या फिर कोई भी आपके गाल या चीक्स के अंदर व्हाइट स्पॉट नजर आता हो, तो उससे डरने वाली कोई बात नहीं है। अपने नियरेस्ट डेंटल क्लिनिक में जाके आप उसको दिखा सकते हैं। अब हमेशा लोग ये करते हैं कि गूगल और डिफरेंट टाइप ऑफ जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उसमें क्या करते हैं कि खुद से ही होम रेमेडी स्टार्ट कर देते हैं और गलतियां करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी के दांत में कीड़ा हो जाए तो वो गर्म सेक लेने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, कभी कभी उल्टा रिएक्शन भी होता है कि माउथ में स्वेलिंग ज्यादा हो सकती है। तो नियरेस्ट क्लिनिक में आप जाके दिखाएं। हमारा डेंटल क्लिनिक है तमांडो भुवनेश्वर में, साई डेंटल क्लिनिक, और हमारी दूसरी ब्रांच है परफेक्ट 32 डेंटल क्लिनिक बापूजी नगर में। तो आप वहां पे आके दिखाएं, आप जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो दांत हमेशा, जब कोई भी पेशेंट आता है हमारे क्लिनिक में, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया है कि उस दांत को निकालना है। हम उस दांत को बचा भी सकते हैं, हम फिलिंग कर सकते हैं और हम रूट कैनाल भी कर सकते हैं। तो फिलिंग या रूट कैनाल करने से आपको दांतों की लॉन्गिविटी है वो बहुत बढ़ जाती है 10 से 15 साल तक। तो कोई एक दांत जो आप निकालने वाले थे, अगर वो 10 से 15 साल रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। बस थोड़ा सा आपको खर्चा करना है और सही डॉक्टर के पास जाना है। हमारे क्लिनिक में सब टाइप की एडवांस सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि आरबीजी हो गया, एंडोमोटर हो गया, एपेक्स लोकेटर, जो कि हर क्लिनिक में नेसेसरी इन्वेस्टमेंट हम करते रखते हैं ताकि पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो। तो दांतों से अगर आप रखेंगे तो आपको जो फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि खाना हजम ना होना, अच्छे से च्यू नहीं कर पाना, खाना आप अच्छे से च्यू कर पाएंगे, तो दांत निकालने की बजाय आप दांत रखिए। इससे काफी आपके बॉडी को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि एक हमारे ह्यूमन बॉडी का ही पार्ट है। तो नमस्कार, प्लीज हमारे क्लिनिक में जरूर आएं। टिल देन टेक केयर।